निकाले निकाले होंगे। ऑल राइट फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं पहाड़ी स्पेशल। तो गाइस, आज का जो शेड्यूल है, हमें जाना आरएमएल पे अपने को दिखाने दोबारा से। तो चलते हैं फटाफट से, आपको मिलते हैं रास्ते में। सभी रेडी वगैरह हो चुके हैं और अभी चलते हैं फटाफट से आरएमएल की ओर। और यहाँ पे अभी मामोन के यहाँ से निकल चुका हूँ मैं, तो चलते हैं फटाफट से। आपको आज लेके जा रहे हैं हम आरएमएल। गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी बस में और यहाँ पे आपके डीटीसी की बस है। ये रहा इसका टिकट। अभी हम डाउन में जा रहे हैं तो इस साइड से फटा रहता है। अगर आप अप में जाओगे तो मतलब इस साइड को आओगे तो आरएमएल साइड से, आनंद विहार साइड से, तो इस साइड फटा मिलेगा आपको यूनिक। ये आरएमएल के पास तो हम उतर चुके हैं। अभी हमको हॉस्पिटल जाना होगा यहाँ से, जो कि पास में ही है, जो आपका दिख रहा है पीछे वाली साइड। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ लगी रहती है हॉस्पिटलों में। और अभी वापस से आपका कोविड आ चुका है, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो तो बिल्कुल ख़तरनाक ही करके गया था पिछले बार, आपने जैसा कि देखा। अभी भी हर बंदा प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाया है। तो भाई साहब, हम आ चुके हैं दोबारा से हॉस्पिटल में। और ये रहे भाई साहब आ चुके दोबारा से। ये दोबारा से अपने पुराने वाला पोज कर रहे हैं। और पिछले जो ब्लॉग के विनर थे उनका नाम था आन सिंह, और जो दूसरे थे काव्या सिंह, दोनों इन्होंने सही आंसर दिया था कि ये कौन है करके। इनको पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है हर बात पे, मुझे तो नहीं आती, पता नहीं हंसते रहते हर टाइम। तो भाई बिल्कुल सिरदर्दी है यार हॉस्पिटल्स में ना, कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो। 15 मुझे डर लग जाती यार इससे। निकाले निकाले तो गाइस, चेकअप वगैरह करा दिया है वापस से। अभी ब्लड टेस्ट वगैरह आपका, बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए मैंने। अभी आपका ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं भाई साहब, 11 बजे से आया हूँ मैं, 11 से भी पहले से आया हूँ और अभी 4 बज चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लग चुका है मुझे, और इतने टाइम में बंदा कितना टायर्ड हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ रोड पे, और यहाँ से अभी मैं जाऊँगा उत्तम नगर की ओर को। तो फटाफट से बस स्टॉप पर जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी उत्तम नगर पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ पर थोड़ा जूस कॉर्नर पर आया था। थोड़ा बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो पहले इसको पीते हैं फटाफट से, क्योंकि यार सुबह से स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी इधर भागो कभी इधर। कल से आने के बाद हम घर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, हम दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसा था सीन, हॉस्पिटल से आने के बाद भाई बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया घर पहुँचने का। तो गाइस, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि आने का भी मैंने थोड़ा सा ही दिखाया आपको, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा थक चुका था मैं ना। ये बैकग्राउंड पे आवाज आएगी, बस फ्रंट पे नहीं आते भाई ये, ठीक है, कैमरे के सामने नहीं आते, बस बैकग्राउंड पे इनका साउंड सुनते रह रहे आप बीच बीच में। फर्स्ट का दिन तो बड़ा सिरदर्दी वाला था, ऊपर से कुछ हमारे कोई रहता है वो भी मिल चुके थे वहाँ पे, उनकी भी तबीयत खराब थी तो उनके साथ भी मैं रहा उधर। तो फिर अपने को मैंने 2 बजे से दिखाना था, पहुँच में 11 बजे गया था, लेकिन वहाँ आपको पता ही है फिर ऐसी हो जाता है, थोड़ा भीड़ भाड़ भी थी, नंबर वगैरह लगाने में टाइम लग जाता है, फिर वहाँ पे कुछ आपके इमरजेंसी केसेस आ रहे थे उस चक्कर में और लेट हो रही थी, फिर ऊपर से कोविड बढ़ रहा है तो हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आ चुके अभी आराम से घर, अब हम रिलैक्स हो जाएंगे आराम से। क्यों सूरज, पहले तुमने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं हमारी जनता को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम
आपकी आपकी गन कहाँ है? आपकी गन कहाँ है? गन इससे फायर कैसे करते हो आप? किसको मारोगे इससे? दोनों को? चूहे को मारोगे? चोरों को? थुई लगाने आया हूँ। थुई क्या होता है? ये थुई क्या होता है गाइस? थुई मैंने लगाई थी आज। थुई तो मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा? कह रहा नाना नहीं लगेगा, नहीं लगता है। फिर जो इंजेक्शन आया सामने से टेन टन, फिर जो क्या हालत हुई आपने थोड़ा देखा ब्लॉग में, ज्यादा मैंने डाला नहीं, मैंने कितना खून निकाल दिया। मेरे को तो डर लगता है, मैंने आंखें बंद कर ली थी भाई। तो इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, बहुत ज्यादा। इस वजह से मैं हॉस्पिटल वगैरह पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हेलो माही, कैसे हो? सूरज भैया को गांव में अच्छा लगता है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे गुन्नू है और हमें वो था, उनको खेलते हैं। अच्छा, आपको बड़े होकर क्या बनना है? आर्मी। ये हम दोनों को आर्मी, हम आर्मी वाले ना दोनों। हाँ। ये तभी तो गन वन रखते हैं ना अपने पास। पापा भी आर्मी में, तो आर्मी हो जाएगा ना भाई। कैसे फिर कैसे मारोगे जो वहाँ पे जो वो होते हैं हमारे दुश्मन? ये 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 आर्मी वाला बनना। ठीक है, हम सब आर्मी वाले बनेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी घर आ चुके हैं हम आराम से, आपको बता दिया दो तीन बार। और अभी मैं थोड़ा एडिटिंग करता हूँ, फिर आपको ब्लॉग हम दिखा पाते हैं। तभी जब एडिटिंग करता हूँ मैं रात भर, जितना भी टाइम लगता है, मतलब जब भी फ्री रहता तो एडिटिंग पे बैठ जाता हूँ। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें। लाइक वगैरह उतना मायने नहीं रखता मेरे लिए, बस आप देखते रहे उसको और इंजॉय करिए, बस वो काफी है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। तो भैया थोड़ा हम चंपी मसाज करवा रहे हैं माही मैडम से। ये देखो मुझे मजा आता है जो मेरी चंपी करता है ना सर में, आए हाय। Hold me close till I get up, time is barely on our side.